इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रामपुर में अभिनेत्री जयप्रदा फरार घोषित कर दी गई है। कई बार नॉन बेलेबल वारंट जारी कर पर कोर्ट में पेश नहीं हुई है जयप्रदा, और इस बार जानकारी मिल रही है फरार घोषित की गई है जयप्रदा। रामपुर एसपी को भी कोर्ट ने दिया है आदेश, सीओ के नेतृत्व में टीम गठित कर जयप्रदा को कोर्ट में पेश किया जाए, यह आदेश जारी कर दिया गया है। रामपुर पुलिस करेगी सीआरपीसी 82 के अंतर्गत कार्रवाई। 6 मार्च को होगी अगली सुनवाई। 2019 लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के दौरान 2 मामले दर्ज किए गए थे। थाना केमरी और थाना स्वार में दर्ज हुए थे मुकदमे। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले चल रहे हैं और इसी को लेकर सुनवाई हो रही है। जयप्रदा को पेश होना है लेकिन जयप्रदा पेश नहीं हो रही हैं और इसीलिए फरार घोषित की गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर में अभिनेत्री जयप्रदा फरार घोषित कर दी गई हैं। तिथियों में अभियुक्ता श्रीमती जयप्रदा नाहटा उपस्थित नहीं आ रही थी, जिसपे माननीय न्यायालय के द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया था। आज भी जयप्रदा माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आई थी और जो थाने का तामीला रिपोर्ट था उसमें इंस्पेक्टर ने अंकित किया था कि जयप्रदा नाहटा का मोबाइल नंबर बंद चले रहे हैं, वो अपने आप को छिपा रही हैं और 82 सीआर की प्रेयर की गई थी माननीय न्यायालय के द्वारा श्रीमती जयप्रदा नाहटा के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू और धारा 82 सीआरपीसी की कार्रवाई की गई है और अग्रिम तिथि 6 मार्च 2024 नियत की गई है।